अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है आप सबके? खलारा चेक करें आप वर्कप्लेस पे मेरा। हाय, आजकल यही कंडीशन है और काम बहुत ज़्यादा अपसेट हुआ हुआ है, पर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ये हमारी बस से बाहर है, बट वेट कर सकते हैं कि कब ये सब ठीक हो। इस टाइम तो जस्ट हम अपने आप को सब्र से काम लेने की तलकीन कर सकते हैं कि बस सब बेहतर हो जाए, लेकिन कोई टाइम लिमिट नहीं है भाई कि इतने टाइम तक ही ठीक हो जाएगा या इतने टाइम तक हम इसको दोबारा से ठीक कर लेंगे। क्या बोल रही हूँ, मतलब कि अभी बारिशें मज़ीद होनी है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अभी तक सब कुछ इसी तरह ही रहेगा। अल्लाह, मेरी तबीयत ही ठीक है कल से। अचानक से मेरी लेफ़्ट साइड नहीं है जो उधर पेन उठी है और मुझे उसे सांस लिया जा रहा था। उसके बाद से अभी भी आप मेरी बात करने का तरीका देखिए, मैं थोड़ा ठहर ठहर के बोल रही हूँ। मतलब मैं बोलती हूँ तो सांस लेती हूँ तो मुझे दर्द होती है, पता नहीं अब क्या चक्कर है मुझे। कल से मैंने मेडिसिन भी ली है, अभी मैंने फिर मेडिसिन लेनी है। बहुत अजीब तबीयत हुई है, मतलब कि एक अच्छे तरीके से जैसे बंदा खुले तरीके से सांस ले पाता है, वो चीज़ नहीं मुझसे ली जा रही। मुझे ऐसे सांस लेती हूँ ना, मेरे दर्द स्टार्ट हो जाती है, दर्द होती है बोलते हुए। खैर, आप सब मेरे लिए दुआ करना, ये जो भी तकलीफ निकली है ठीक हो जाए मेरी। और मैं आई थी परसों के व्लॉग को लेकर कुछ बोलने के लिए, थोड़ा सा क्या आप लोगों को भी कहना चाहूँगी कि मैं पर्सनली अगर आप मेरे से पूछें ना, मैं इस तरह के बेतुके टॉपिक्स पे बात करना ही नहीं चाहती है। मैं कहती हूँ कोई हर कोई काम कर रहा है, अपने काम में बिजी है, किसी को कुछ पता नहीं है कौन क्या कर रहा है, कौन किधर जाके क्या बोल रहा है। इस चीज़ का ना मेरे इल्म में होता ना ही बाकी है स्मार्ट आर्टिस्ट के, ठीक है। हर कोई अपने आप में बिज़ी है, अपनी जो आजकल की कंडीशन है उसमें वो अपने आप को हिम्मत दे के काम करने लगा हुआ है। तो इस दौरान किसी के चैनल पे क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, ये कुछ भी इल्म में नहीं है मेरे भी। मैं बस इतना जानती हूँ कि हम इस टाइम जिस सिचुएशन से गुजर रहे हैं ना, वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा टफ है। तो वेट, मैं ज़रा थोड़ी सी बैठने के लिए कोई चीज़ ले आऊँ, मेरे से इस तरह से बात नहीं की जा रही। हाँ जी जी, मैं ये कह रही थी आपसे कि आजकल जो वेदर है ना, उससे वर्क प्लेस की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है और पता नहीं कब तक ये सब ठीक हो, क्योंकि पूरा महीना बारिशों का बताया हुआ है। मैं सोची थी कि जो वाइडर टाइम में टेक्सचर डेट सेट हुई, मैंने कुछ शीट्स उठा के रख देती हूँ और ये देखिए मुझे क्या मिला वर्क प्लेस पे, उड़ के आया हुआ था किसी का बटरफ्लाइज। खैर, यहाँ पे मैं अपनी डेट्स रखती हूँ सारी। मैं ये कहना चाहूँगी आप सबसे बस कि देखें, जो आके मुझे कमेंट किया था एमी खान, क्या नाम उनका,
मैंने कहा था कि आपको अपनी वो सब्सक्राइबर्स को कुछ क्यों नहीं कहती हैं जो दूसरी स्मार्ट आर्टिस्ट के चैनल पे जाके नेगेटिव कमेंट करते हैं, उनकी वर्क प्लेस को गंदा कहते हैं, आपकी वर्क प्लेस से कंपैरिजन करते हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी आमिर खान, पहली बात तो ये कि मुझे पता नहीं है कौन वर्क प्लेस कौन जाके कंपैरिजन करता है मेरा और कौन जाके मेरा नाम लेके कमेंट करता है। जिस चीज़ के बारे में पता हो ना मुझे, मैं उसी टॉपिक पे बात करती हूँ, उसी रिलेटेड बात करती हूँ। अदरवाइज मुझे कैसे इल्म में आएगा कि भाई फ़लाँ बंदा मुझे मेरा नाम लेके इधर बोल रहा है। हाँ अगर इस चीज़ के जब मुझे इस चीज़ का इल्म हो जाए ना तो उस पर तब मैं बात ना करूँ, वो अलग बात है। लेकिन जब मेरे इल्म में ही नहीं है मैं कैसे उस टॉपिक पे बात करके अभी तरह बोलती रहूँ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें वर्क प्लेस को कंपैरिजन करना, ये वो सब करना, किसी को डिग्रेड करना, ये चीज़ मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है। क्योंकि देखो अगर मैं किसी को डिग्रेड करने का बारे में कहूँगी ना, हाँ भाई जा तुम जाके उसको मेरा नाम लो, उसके जाके चैनल पे गलत मतलब इस तरह के कमेंट करो, मतलब कि मैं कल से खुद को भी मौका दूंगी इस चीज़ का। ठीक है, मेरी वर्क प्लेस देखिए आप इस टाइम इतनी गंदी लग रही है, इतनी गंदी लग रही है ना कि मैं अपनी वर्क प्लेस से गंदी ज़्यादा किसी की वर्क प्लेस को कुछ नहीं कहूँगी। क्योंकि हम अपने आप को पहले गिरेबान में झांकते हैं, बाद में किसी के बारे में कोई बात करने की हम किसी की तरफ उंगली उठाने का जुर्रत करते हैं। और पहली बात ये, अल्लाह पाक हम किसी इंसान का दिल दुखाएंगे ना, उसकी किसी चीज़ को लेकर बुरा भला कहेंगे क्या? तो मैं यही कह रही थी, मेरी मामा आ गई थी तो मैं बात करते करते ना पता नहीं जब कोई बात करते करते कोई आके बात के दौरान कोई दूसरा टॉपिक छिड़ जाए ना, मेरे से जहन से बात निकल जाती है, भूल जाती हूँ मैं क्या बोल रही थी। शिट एक मिनट ज़रा, सारी सैंड लगी थी मैंने उसको उतारा यार, इतनी तेज़ बारिश हो रही है ना जिसका कोई हिसाब नहीं। अल्लाह जानता है ऐसी चीज़ों को कवर किया हुआ मैंने, बार बार आके देखती हूँ, बार बार आके देखती हूँ, शीट तो नहीं उड़ी, शीट तो पानी तो नहीं किसी टेक्सचर पे जा रहा, बार बार आके कवर करती हूँ, फिर हवा इतनी तेज़ चलती है, फिर शीटें इधर उधर हो जाती क्योंकि शीटें बहुत हल्की हैं, ये शीटें बहुत हल्की हैं, ज़रा सी तेज़ हवा चलती है उड़ के वहाँ शीट ईंटें जाती हैं, उधर उड़ के सारा सत्यानाश हो जाता है। तो मुझे ना बार बड़ा कि उनके नींद में भी मैं सोई हूँ ना तो मेरा ध्यान चीज़ों की तरफ होता है, मैंने कोई चीज़ तो नहीं, शीट तो नहीं उड़ गई, ये तो नहीं हो गया, तो मैं बात क्या करती हूँ, मैं पहुँच किस तरफ गई हूँ। मैं ये कह रही थी कि काइंडली आप लोग मेरा कंपैरिजन करके किसी के साथ किसी को जाके डिग्रेड मत करा करो, हर कोई अपनी जगह मेहनत कर रहा है, हर कोई अपने काम को किस तरह से संभाल रहा है वही जानता है। क्योंकि अगर मैं इस चीज़ के बारे में बात करूँगी ना कि मैं ऐसी हूँ या फला बंदा ऐसा है, तो वो बात मेरे पे भी आ सकती है। तो ये चीज़ होती है कि आप जिस पे भी टॉपिक जिस पे भी उंगली उठाओगे ना, वो चीज़ का सामना आपको भी करना पड़ेगा। तो प्लीज़ काइंडली किसी भी स्मार्ट आर्टिस्ट को मत इस तरह से कंपैरिजन करें एक दूसरे का, हर कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, हर कोई अपना आप लोगों को वो काम शेयर कर रहा है जितनी भी उसे हो सकती है मेहनत, जितना भी वो अपना दे रहा है अपने इस काम को। आई नो पता नहीं मैं बोल कह रही हूँ, बट यही कहना चाहूँगी प्लीज़ 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 प्यार मोहब्बत से सब रहें भाई, प्लीज़ 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 एक दूसरे को डिग्रेड मत करें सब। क्योंकि ये काम जो है ना, इसमें इंसान अपनी आधी एनर्जी जो होता है ना, बल्कि आधी भी नहीं पूरी एनर्जी इस काम में लगा देता है। तो मैं यही कहूँगी भाई, प्लीज़ आप लोग अगर मेरे ट्रू सब्सक्राइबर हो ना, मेरे से सच में आप लोग मेरे काम के साथ सिंसियर हो, मेरे काम के साथ लॉयल हो, तो आप कभी भी किसी स्मार्ट आर्टिस्ट को डिग्रेड नहीं करोगे, चाहे
आपको उनका काम अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। क्योंकि देखें, हम सब इस कम्युनिटी में एक दूसरे को नेगेटिव, एक डिग्रेड करने तो आए नहीं है यहाँ पर। हर कोई अपना बेस्ट देने की, बस बेस्ट देने की कोशिश करता है। कोई चाहता है ना ही कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए लगा हुआ है, भाई मैं आगे चला जाऊँ, वो फला बंदा पीछे रह जाए। हर कोई कोशिश करता है अच्छे से अच्छा दे, जिससे लोग सेटिस्फाइंग हो। और मेरा भी यही मकसद रहता है कि मैं अपनी अच्छी से अच्छी चीज़ बनाऊँ, साफ़ सुथरे तरीके से आपकी, क्योंकि मैं जिसी खुद चीज़ प्रेजेंट करती हूँ, जैसे आप देखते हो, ये मेरा मकसद। मैं अंदर से खुद अपनी चीज़ को बेहतर रखने की कोशिश करती हूँ, ना कि मैं किसी से कोई मुझे अवार्ड चाहिए। ठीक है, तो आप प्लीज़ सब एक दूसरे से उनको उनकी हौसला अफज़ाई करें, मुश्किल वक्त में उनकी हौसला अफज़ाई करें, ताकि वो उनको हिम्मत मिले और वो अपने जो भी मुश्किल से गुजर रहे उससे इजीली निकल जाए और अपने काम को और अच्छा पेश करें आपके साथ। ठीक है, मैं खुद को डीमोटिवेट, खुद को नीचे गिरा लेती हूँ किसी को, कभी ये नहीं मेरी कोशिश होती है कि मैं फला बंदे को बुरा भला कहूँ और खुद को मैं ऊपर पहुँचा लूँ और दूसरे को कहूँ तुम कुछ नहीं हो या मैं ही हूँ, तुम कुछ नहीं हो, मेरी मेरी सब चीज़ें। मेरी वर्क प्लेस ना इस टाइम तमाम कम्युनिटी से मैं गंदी अपनी वर्क प्लेस कंसिडर करूँगी, जो इस टाइम सिचुएशन है। तो मेरी सबसे पहले जो थिंकिंग यही है, मैं अपने घर में भी हूँ ना, मैं अपने घर के बंदों से भी बात कर रही हूँ, मैं हमेशा अपने आप को पीछे करती हूँ, अगले को ये चीज़ का एहसास दिलाती हूँ कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, तुम खुद को किसी से कम मत समझो। अगर मेरी कोई चीज़ उसके सामने, उसकी चीज़ उसको अच्छी नहीं ना लग रही है, तो मेरी चीज़ उससे ज़्यादा अच्छी आ गई है, तो मैं अपनी चीज़ को कहूँगी नहीं मेरी नहीं अच्छी है, तुम्हारी ज़्यादा अच्छी है। तो ये चीज़ मेरी खुद की है, ये खुदा जानता है। मैं कभी भी किसी को डीमोटिवेट करने की कोशिश करती ही नहीं हूँ, ना ही मैं ये पसंद करूँगी कि कोई मेरा नाम लेके उन स्मार्ट आर्टिस्ट को डीमोटिवेट करे या उन लोगों को डिसहार्ट करे जो इस टाइम इतनी मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। ठीक हो गया, तो काइंडली मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी ना तो नेगेटिविटी जहन में रखती हूँ ना दिल में रखती हूँ। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब लोग एप्रिसिएशन डिज़र्व करते हो, आप सब लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट डिज़र्व करते हो, जो जो इस कम्युनिटी में अपना हार्ड वर्क दे रहा है। ठीक है, तो ये मेरा आज के व्लॉग में थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक रिक्वेस्टेड मैसेज है कि प्लीज़ 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 सब एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें, सब एक दूसरे को आगे बढ़ने की तलकीन करें, कभी किसी को नीचे गिराने की कोशिश मत करें। ठीक हो गया, अब हम अपने काम को करते हैं। और बताती हूँ, मैंने वाइट डॉट साड़ी इधर रख दी है, वहाँ पे प्योर सैंड पे शेप गिरी थी वाइट डॉट की, वो साड़ी गिर के वो देखिए पाउडर हो गई है। अल्लाह मैं भी बोल रही ना, मेरे दिल की दिल पता नहीं क्या दिल है अभी उस टाइम कि नहीं, मेरी पेन उठ रही है। चलिए मैं ये अब रख दूँ, फिर उसके बाद थोड़ा टेक्सचर निकालते हैं, उसकी क्रमलिंग करते हैं। अच्छा, इसमें से बाउल में से रेड डॉट निकाल, ब्लैक डॉट निकाल के मैंने उधर रखी है बोर्ड पे, क्या मेरे मुँह से लफ्ज़ निकलता है बाउल का। यहाँ पे ये जो टेक्सचर, इसकी मैं ब्लॉग में क्रमलिंग कर देती हूँ। एक मिनट ज़रा माइक की ज़रा,
यारी मक्खियां बहुत तंग कर रही है। चलो इसकी मैंने क्रमलिंग कर दी है, आप किसी और टेक्सचर की डर्ट की करते हैं। वेट इसको मैं सही कर लूँ। यार ये जो मक्खियाँ ना बहुत कॉन्सेंट्रेट फोकस खराब कराती हैं। इतनी तेज बारिश हुई ना रात से, बहुत तेज, मुझे नींद नहीं आ रहा से हाई मेरी वर्क प्लेस का क्या हाल होगा। जो लास्ट पीस है उसको भी क्रम्बल कर देते हैं। टेक्सचर बहुत थोड़े हो गए, ये भी बहुत थोड़ी हो गई है, ये ब्लैक डर्ट भी इतनी थोड़ी लग रही है, मड डर्ट भी पता नहीं हवा में उड़ गए हैं टेक्सचर। ये और लिख रही वेट कितनी डैम्प है। ये अभी भी मैं हाय सच्ची हूँ, ये तो ड्राई लग रही है।
तुम यहाँ क्या कर रही हो? चुप चुप। लगता लाइट चली गई है। चलो मैंने इसको भी क्रम्बल कर दिया, मुझे इसको बाद में तरतीब से रखना भी है। उनकी टर्टर सुने जरा बच्चों की टैंकी, वो बता रही वो साबित चाचू की टैंकी है। चले अब किसी और डर की कमी करते हैं। अच्छा जी, ये वो बच्चे हैं जो मेरे पीछे से टैटा टैटा कर रहे हैं। उमर आपने नीचे नहीं जाना है, बारिश में नहीं है ना, ये करनी है क्या? क्या करनी है? नहीं नहीं करनी है बारिश में। वो किधर गया तेरा तीसरा फौजी? नीचे। उसको तो मैंने ना पकड़ के ना प्लाट में फेंक देना बच्चू, ठीक है शहजाद? तुम्हें इससे कोई मसला तो नहीं है अगर मैं अवैस को प्लाट में फेंक दूँ? चलो भाई उसको कोई मसला नहीं है। उमर बाय बाय कर दो। हाय बाय बाय कर दो। किस भी दो, फ्लाइंग किस दो, चुमी दो, ऐसे ऐसे दो, ऐसे ऐसे देखो मेरी तरफ, देखो ऐसे दो, ऐसे 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 देखो दो ऐसे दो। दूर से दो ना ताकि सारों तक जाए। अब ऐसे इसको नीचे उतारो, ये गिर जाएगा। चले मैं जिस चीज़ों को समेट लूँ, मैंने वो रेड क्वीन डर्ट रखी है क्रम्बलिंग के लिए, तो मैं ज़रा ये चीज़ें उठा लूँ, उसके बाद क्रम्बल करते हैं।